फ्रेंड्स, जिस सिंथ म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर के गिटार बिगिनर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे पास में दो अलग अलग गिटार हैं, दोनों ही अकोस्टिक गिटार हैं और दोनों ही बिगिनर लेवल के गिटार हैं। इस गिटार को हम कहते हैं एफ कट गिटार। इसमें इस तरफ से कट होते हैं, इसलिए इसको एफ कट गिटार कहते हैं। और ये जो दूसरा गिटार है मेरे पास में, इसको सेंटर होल गिटार कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर में होल है। अब गिटार को परचेस करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि गिटार जब भी हम परचेस करें तो बिगिनर लेवल का गिटार आपको 4 से 5 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। उसमें एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये होती है कि हमको यहाँ पर इस तरह का जो कट होता है, उस तरह का गिटार परचेस करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि हम जब ये फ्रेट्स के ऊपर फिंगर प्ले करते हैं तो ये हमारी फिंगर्स थोड़ी डीप तक जाती है और इधर के नोट्स हम बजा सकते हैं। इस कारण यहाँ से जो कट हो वो गिटार हमें चूज़ करना चाहिए। यदि यहाँ से ऐसा बंद होगा गिटार तो हमारी फिंगर यहाँ से आगे नहीं जाएगी, इसलिए इस तरह का गिटार चूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है इसमें, ये जो हमारे स्ट्रिंग्स हैं, इसका जो एक्शन होता है वो एक्शन हमको चेक करना चाहिए कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा ना हो। ये गिटार का एक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा तो हमें बजाने में तकलीफ होती है, तो ये चेक करना चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग है ज़्यादा उठी हुई नहीं होना चाहिए, इसका डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरह हम गिटार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गिटार के इस बिगिनर ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्ट्रिंग के जो लेसन्स होते हैं वो किस तरह से बजाए जाते हैं, और फिंगर के जो लेसन्स होते हैं वो हम किस तरह से प्ले करना सीखते हैं, मैं आपको इस ट्यूटोरियल में थोड़ा डिटेल्स से बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं स्ट्रिंग प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको स्क्रीन पर जो गिटार स्ट्रिंग लेसन्स दिख रहे हैं उन्हें कृपया आप एक पेपर पर नोट कर लीजिए। गिटार स्ट्रिंग लेसन 1 2 1 2 3 2 3 2, देन उसके बाद में 1 2 1 3 1 4 1 5, ये असेंडिंग है, उसका डिसेंडिंग होगा 6 5 6 4 6 3 6 2, उसका थर्ड लेसन होगा 1 3 2 4 3 5 4 6 और उसका डिसेंडिंग है 6 4 5 3 4 2 3 1। इसी तरह से आप गिटार फिंगर प्रैक्टिस लेसन्स भी आप नोट करके रख लीजिए, मैं इसको अभी आपको पूरा डिटेल स्टडी करके बताऊंगा। ये पहला लेसन है 1 2 3 4, दूसरा लेसन है 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3, एंड नेक्स्ट लेसन है 1 2 1 3 2 3 2 4, 1 2 1 3 2 3 2 4। तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से दो लेसन्स आप पेपर में नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं स्ट्रिंग लेसन्स। आप यहाँ पर स्ट्रिंग देख पा रहे हैं, ये गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th string है। ये मेरे पास में प्लेक्ट्रम है, इसको मैंने आपको बताया था इस ढंग से आपको इसे पकड़ना है। यदि आपको इस ढंग से पकड़ना नहीं आता है तो आप इसको नॉर्मल इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। अभी शुरू करते हैं हम, ये डाउन स्ट्रोक है और ये अप स्ट्रोक है। ओके, तो हम सबसे पहले बजाएंगे एक एक स्ट्रिंग पर 4 4 बार। किस तरह से बजाएंगे आप देखिए, 1 2 3 4, हमने बजाया डाउन अप डाउन अप। इस तरह से एक एक स्ट्रिंग को हम डाउन अप बजाएंगे।
मदद से हमने एक स्ट्रिंग को चार बार डाउन अप बजाया। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग को डाउन अप दो बार बजाएंगे। इस तरह से एक एक लेसन को हम कम से कम 10-20 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हाथ इस पर फिट हो जाएगा। इस तरह से बजाएंगे फिर हम लोग 1-2-1-2 दो दो बार, 1-2-1-2-1-2-1-2। आप चाहे तो ये फिंगर सपोर्ट दे सकते हैं, या नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बजा सकते हैं। अब हमने बजाया पहले चार बार, अभी बजाया दो बार, अब उसके बाद हम बजाएंगे एक एक बार डाउन अप, अल्टरनेट पिकिंग करेंगे हम। देखिए, तो इस तरह से ये शुरुआत के पहले बिगिनर तीन पैटर्न हो गए। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, 1-2-1-2-3-2-3-2, जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो पहला लेसन बजाएंगे, 1-2-1-2-3-2-3-2। तो आप ध्यान से देखिएगा, पहला स्ट्रोक डाउन होगा और हम पहले तीन स्ट्रिंग पे बजाएंगे। देखिए आप ध्यान से, 1-2-1-2-3-2। इस तरह से पहले तीन स्ट्रिंग पर हमने 1-2-1-2-3-2-3-2 बजाया और हमारा डाउन अप स्ट्रोक चला। अब ये तीन स्ट्रिंग बजाने के बाद में हम इसको आगे किस तरह से लेके जाएंगे, देखिए आप पहले इस जगह प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में पहले स्ट्रिंग को स्किप करके दूसरा, तीसरा, चौथा, जो लूप हमने पहले तीन स्ट्रिंग में बजाया था उसी लूप को हमें दूसरे, तीसरे और चौथे स्ट्रिंग में बजाना है, उसी तरह से जैसे हमने पहले बार बजाया था। बार स्ट्रिंग होंगे 2-3-2-3-4-3-4-3-2-3-2-3-4-3-4-3-4-3। उसके बाद में इसको हम और ऊपर लेकर के आएंगे, पहले यहां से बजाया फिर यहां से बजाया, अभी हमने 2-3-4 स्ट्रिंग इस तरह से बजाई। इसके बाद हम 3-4-5 स्ट्रिंग में वो लेसन बजाएंगे इस ढंग से। फिर उसको और स्किप करके ऊपर लाएंगे, यहां से शुरू करेंगे। तो इस तरह से लेसन हमारा ये आगे बढ़ता जाएगा। पहले हमने बजाया 1-2-1-2-3-2-3-2 ये तीन स्ट्रिंग में, फिर बजाया 2-3-2-3-4-3-4-3 इन स्ट्रिंग पर, उसके बाद 3-4-3-4-5-4-5-4, उसके बाद में 4-5-4-5-6-5-6-5। एक बार सुन लीजिए पूरा लेसन। जब हम इसको ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो इस ढंग से बजेगा ये। तरह से एक एक लेसन को, इस पूरे लेसन को आप 10-20 बार जब आप बजाएंगे तो आपका ये जो पिकिंग हैंड है वो काफी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद का जो लेसन है 1-2-1-3-1-4-1-5, तो उसको इस ढंग से बजाएंगे, 1-2-1-3-1-4-1-5। इस तरह से टोटल 8 स्ट्रोक होंगे। फिर से देख लीजिए एक बार।
इसका डिसेंडिंग ऊपर से होगा 6 5 6 4 6 3 6 2। इसे फिर से बजाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट तीसरा लेसन अल्टरनेट है 1 3 2 4 3 5 4 6। और इसका डिसेंडिंग होगा 6 से स्टार्ट होगा, तरह से हम ये 5-6 लेसन बजा करके अपना ये पिकिंग हैंड काफी अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे फिंगर किस तरह से यहाँ पर प्ले की जाती है इस फ्रेट बोर्ड पर।